मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगीना में रामलीला बाग मैदान में जनसभा स्थल पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही वहां मौजूद नेताओं ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजादी के बाद पहली बार भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों के विकास का कार्य भी तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस नहीं कर पाई, समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई, अन्य दल भी दलदल में धंसे रहे, बाबा साहब का नाम लेते रहे लेकिन कार्य नहीं किया। यह कार्य भी किया है तो मोदी जी ने ही किया है। और बहनों भाइयों, आप जाइए सीर गोवर्धन, संत शिरोमणि रविदास जी की पावन जन्मभूमि पर, उसको सुंदरीकरण का कार्य भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पवित्र सीर गोवर्धन का भी सुंदरीकरण का कार्य काशी में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। और बहनों भाइयों, आपने देखा होगा 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ ना, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए ना, और अयोध्या में रामलला विराजमान होने के पहले अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, करके दिखाती है, करके दिखाती है। और इसीलिए हम लोग आए हैं बहनों भाइयों, 4 करोड़ गरीबों को अगर सिर ढकने के लिए छत दिया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को सम्मान देने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। गरीब कल्याण भी है, महापुरुषों का सम्मान भी है, और आस्था को भी सम्मान दिया जा रहा है। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग तो दंगा करवाते थे, गरीबों का जो हक था उसको डकैती डालते थे, दंगाइयों को प्रश्रय देते थे, कर्फ्यू लगता था। हमने कहा कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा चलाएंगे, शानदार तरीके से चलाएंगे। लोग कहते हैं कैसे होगा, हम कहते हैं हम पश्चिम में जाते हैं, लोग अभिवादन में राम राम कहते हैं। राम राम हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का संबोधन है। तो मैंने कहा भाई राम राम का संबोधन तो है ही, प्रभु राम को साक्षात अयोध्या में पुनः विराजमान भी कर दिया है, और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में जो सेंध लगाता था उसका राम नाम सत्य है भी हो गया है। हो गया है ना, हो गया है ना। तो आप मुझे बताओ, कर्फ्यू लगाने वाले चाहिए या कावड़ यात्रा चलाने वाले? जातिवाद वाले लोग चाहिए कि सबका साथ और सबके विकास वाली सरकार चाहिए? सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग चाहिए या सुरक्षा देने वाले लोग चाहिए? ओम कुमार हमारा एक जुझारू विधायक है, लखनऊ में काम करता है, मेहनत करता है, तब योजनाएं लेके आता है। नगीना में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली इन लोगों के प्रयास से। हमारा नगीना भी अब महात्मा विदुर के नाम पे भव्य मेडिकल कॉलेज का लाभ लेगा। नसीमाबाद में चीनी मिल का पुनरुद्धार हो गया, और मां गंगा के पुनरुद्धार का कार्य भी हो गया। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से
अविरल और निर्मल गंगा की संकल्पना को साकार करने के लिए मैं स्वयं यहां बिजनौर में आया था। बिजनौर से बलिया तक की रथ यात्रा हम लोगों ने निकाली थी गंगा यात्रा के रूप में। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिजनौर जनपद हमारा सीम पोटेंशियल का जनपद है, पौराणिक जनपद है, इतिहास छुपा हुआ इस जनपद में, हमारा इतिहास इस जनपद के साथ जुड़ा हुआ है, कौन इससे वंचित कर सकता है। लेकिन इतिहास के साथ साथ, विरासत के साथ साथ विकास आवश्यक है, और विकास के साथ साथ महत्वपूर्ण सुरक्षा आवश्यक है। यह केवल और केवल भाजपा आपको दे सकती है। हमने जातिवाद की बात नहीं की, हम संप्रदायवाद की बात नहीं करते, हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते, हम लोग तो जनता को जनार्दन मानकर की उसकी असीम पूजा करते हैं, उसके कल्याण के लिए जो कुछ हो पड़ता है वो करते हैं, भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसते हैं, गुंडागर्दी करने वालों को कानून के शिकंजे में लाने का काम करते हैं। बेटी हो या व्यापारी, अन्नदाता किसान हो या हमारी बहन और माताएं, इन सबको सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी देने के लिए आई है। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट।